चौकीदारी करने निकला था। खुद तो बिगड़ा है, हमारे बच्चों को भी बिगाड़ रहा है। नहीं माँ, वो रोज स्कूल में तंग करता था माँ, इसीलिए उसको मारने गया था माँ। क्या टोली बनाकर मारने गया था? अकेले जा हरे राम। मेरी माँ मेरा रब जीदी को होया पैदा। इंस्टाग्राम रील्स पे ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, और अगर आप ऐसा वीडियो बना के अपलोड करते हो ना, आपका वीडियो भी ज़रूर से वायरल हो सकता है। इस वीडियो को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको एक स्टेप को फॉलो करना है और आपका वीडियो बन जाएगा। मैंने आपको VN ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इसको जाके डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ में आपके लिए लाता रहता हूँ। उसके बाद जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा फेस आएगा। इसके बाद आप लोगों को प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया है, जाकर डाउनलोड कर लेना और उसको यहाँ ले करके आ जाना। इसके बाद मैंने आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, साउंड को म्यूट करना है, ओरिजिनल पे जाना है, और आपको टिकटॉक वाले रेशियो को 9:1 रेशियो को ऐड कर देना है। अब आपको इसके अंदर साउंड ऐड कैसे करना है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ा आगे आना है और आगे आना है। जैसे आप यहाँ तक आओगे, यहाँ आने के बाद में जैसे यहाँ पर ये होगा जैसे कि फ़ोटो चेंज, ठीक है। जैसे यहाँ पर फोटो चेंज होगा, उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर ब्लैक पे आपको इसको रोक देना है, फिर आपको वीडियो पे क्लिक करना है, स्प्लिट पे क्लिक करना है, आगे की वीडियो को डिलीट करना है, वाटरमार्क को भी डिलीट कर देना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को यहाँ से जो है आपको सबसे पहले प्लस के ऑप्शन पर जाना है, फिर वीडियो एंड फोटो पर जाना है, ठीक है। इसके बाद आप अपना कोई वीडियो ले सकते हो या फिर आप अपना फ़ोटो ले सकते हो, आप एक वीडियो ले सकते हो, उसके अंदर कट दे दे के आप उसमें इफेक्ट वगैरह यूज़ कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आप फ़ोटो लेते हो तो आप 4 से 5 फ़ोटो लेके आप यहाँ से आप ऐड कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। और अगर आप वीडियो लेना चाहो, जैसे कि रोहित की एक वीडियो यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, उस वीडियो को यहाँ ऐड कर लिया मैंने, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर जैसे कि आपके सामने कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर ऑलरेडी पहले से ये जैसे ये देखो ये वाइट वाला इफेक्ट है, फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे फिर वाइट इफेक्ट है, फिर वाइट इफेक्ट है, फिर वाइट इफेक्ट है, ठीक है। लेकिन ये इफेक्ट इसमें आते कैसे हैं ये भी मैं आपको बता दूँ। अगर आप रखना चाहते हो आप लेग भी ऐड कर सकते हो, या फिर आप इसमें नहीं भी रखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि आपको साउंड को ऐड करना है तो आपको टेप टू ऐड म्यूज़िक पर जाना है, फिर आपको म्यूज़िक पर जाना है, प्लस के ऑप्शन पर जाना है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पर जाना है, और आपको यहाँ से जिस वीडियो का लिंक आपने स्टार्टिंग में ऐड किया था ना, आपको उसी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में वापस मिलेगा। जैसे कि आपको होगा सही, आपको वापस से ऐड कर देना है, ठीक है। उसको ऐड करने के बाद आपको यहाँ से इसको ओके करना है, और इसका जो ऑडियो वो निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप इस ऑडियो को ऐड कर देना कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि वो ऑडियो यहाँ पर बन आ जाएगा, और आपको जो वीडियो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर जितनी इस ऑडियो की लेंथ है उतनी आपको वीडियो की लेंथ रख के मतलब रख देनी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर इस मैंने थोड़ा छोटा ऑडियो लिया है, ठीक है। अगर आप चाहो मैं आपको 2 वीडियो के लिंक दे दूँगा, उसके अंदर क्या है ऑडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, 24 सेकंड के आसपास है, ठीक है, और इसकी लेंथ थोड़ी सी कम है, तो मैंने कम ही लेंथ रखी है इसकी, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अब इसके बाद ना जहाँ से आपका वीडियो तो बन जाएगा, इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को प्लस पे क्लिक करना है, और आपको ब्लैक को ऐड करना है या वाइट को ऐड करना है, और इसके बाद थोड़ी सी आपको रोडेशन को ज़्यादा कर देना है, और इस तरीके से जो वाइट वाला जो ऑप्शन है वो आ जाता है कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये देख सकते हो आप, इनकी वीडियो में भी थोड़ा थोड़ा आगे आएगा, जैसे कि ये वाइट ऑप्शन आ गया, जैसे कि ये आ गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। तो आपका वीडियो कंप्लीट बन जाएगा। अगर आप इसमें इफेक्ट वगैरह यूज़ करना चाहो, वीडियो पे क्लिक करो, एफएक्स पे क्लिक करो, कोई सा भी इसके अंदर आप इफेक्ट वगैरह यूज़ कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ठीक है। और अगर आपको लगे कि एक ही वीडियो तो हम बार बार इफेक्ट कैसे यूज़ करें, तो आप इसमें कट लगा लेना, एक इसमें अलग इफेक्ट यूज़ कर लेना, ठीक है, और इसके अंदर अलग इफेक्ट यूज़ कर लेना, इस तरीके से कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होने वाला है, लेकिन मैं इसमें इफेक्ट यूज़ करने वाला नहीं हूँ, आप लोगों को सिर्फ इतना सा करना है और आपका वीडियो कम्प्लीट बन जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको एक्सपोर्ट पर जाना है, अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना और अपलोड कर देना इंस्टाग्राम पे, हो सके तो मेंशन कर देना, नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ में आपके लिए रेगुलर लेकर के आता रहता हूँ। तो गाइस यही था आज की इस वीडियो में।